वालेकुम स्टूडेंट्स एडवांस कंप्यूटर नेटवर्क्स में आज इंशाल्लाह हम अपने लेक्चर नंबर 22 का आगाज़ करेंगे इससे पहले हम 21 लेक्चर्स के अंदर राउटिंग प्रोटोकॉल्स तक के टॉपिक को कवर कर चुके हैं जैसा कि आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था कि ये राउटिंग प्रोटोकॉल्स आईपी प्रोटोकॉल और इसके बाद आगे टीसीपी प्रोटोकॉल ये हमारे पूरे कोर्स के अंदर एक कोर की हैसियत रखती हैं इन टॉपिक्स का समझना और उनको बेहतर तौर पर अंडरस्टैंड करना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है हम अपने अगले टॉपिक पर जाने से पहले और अपनी डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करने से पहले आइए पहले पिछले लेक्चर का एक थोड़ा सा प्रिव्यू कर लेते हैं जैसे कि आपको मालूम है कि हमने अपना पिछला लेक्चर डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग की एक एग्जाम्पल से स्टार्ट किया था हमने ये देखा था कि डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग के अंदर नोड्स किस तरह से इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज के थ्रू अपनी इन्फॉर्मेशन दूसरी नोड्स तक पहुँचाती हैं और किस तरह पूरे नेटवर्क के अंदर राउटिंग की इन्फॉर्मेशन अप टू डेट मेंटेन रहती है हमने ये भी देखा था कि अगर किसी एक जगह पर लिंक फेलियर अगर हो या नोड फेलियर अगर हो तो किस तरह से डिस्टेंस वैक्टर की राउटिंग प्रोटोकॉल कन्वर्ज होती है और लिटिल बाई लिटिल ये इंफॉर्मेशन सारी नोट्स पर पहुँच जाती है और पूरे नेटवर्क के अंदर जो राउटिंग टेबल्स हैं वो अपडेट हो जाते हैं इसमें हमने जो एक चीज़ नोटिस की थी वो ये कि डिस्टेंस फैक्टर आउटिंग के अंदर ये इंफॉर्मेशन ज़रा स्लोली प्रोपोगेट करती है क्यों इसलिए कि ये इन्फॉर्मेशन एक इटरेशन के अंदर एक हॉप ट्रेवल करती है और हर इटरेशन के अंदर एक एक हॉप आगे प्रोग्रेस करती जाती है दूसरी प्रॉब्लम जो हमने डिस्टेंस फैक्टर आउटिंग के अंदर नोटिस की थी वो ये कि इसके अंदर एक स्पेसिफिक सिनेरियो के अंदर काउंट टू इन्फिनिटी का प्रॉब्लम भी अकर करता है ये उस वक़्त होता है जब नोट किसी लूप के अंदर आकर एक दूसरे को म्यूचुअली रिसीव करते हैं और इस म्यूचुअल डिसेप्शन की वजह से हर नोड अपने अपने पास एक राउटिंग टेबल की एंट्री के अंदर मैट्रिक्स को बढ़ाती चले जाते है। और यहाँ तक कि वो इन्फिनी तक काउंट पहुँच जाता है और उसके बाद मालूम होता है कि ये राउट एग्जिस्ट अब नहीं करता इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक सजेशन दोस्त वक्त हमने ये डिस्कस की थी कि वाई नॉट के हम इन्फिनीटी का जो मैट्रिक है वही काफ़ी कम कर दें बहुत जल्दी जब ये काउंट इन्फिनिटी तक पहुंच जाएगा तो उसके बाद ये राउट ऑब्वियसली नेटवर्क में से इलिमिनेट हो जाएगा उसका ड्रॉबैक ये था कि अगर आप ये इन्फिनिटी का मैट्रिक जो है वो नीचे लेकर आते हैं उसको कम वैल्यू के ऊपर मेंटेन करते हैं देन योर नेटवर्क इज नाउ लिमिटेड टू दैट लिमिट उससे बड़ा ऑब्वियसली अब आपका नेटवर्क नहीं हो सकता क्योंकि उतने नंबर ऑफ हॉप्स आपने इंफिनिटी डिफाइन कर दी है एक सेकेंड सोल्यूशन जो इसका हमने डिस्कस किया था दैट वॉज स्प्लिट होराइजन वो सोल्यूशन ये प्रपोज करता है कि हर नोट जो है वो वाला राउट या वो राउटिंग एंट्री उस नोट को ना एडवर्टाइज करे जो कि उसका सक्सेसर है फॉर दैट वेरी एंट्री ये एक सोल्यूशन ऐसा है जिसकी वजह से हमें लिमिटेड बेनिफिट हुआ यानी हमने एक स्पेसिफिक स्नेरियो के अंदर देखा कि अगर दो या दो से ज़्यादा नोड्स का लूप फॉर्म हो जाए तो फिर ये स्प्लिट होराइजन का जो सोल्यूशन है वो भी वर्क नहीं कर पाता अदरवाइज इट कैन रियली हेल्प इन द काउंट टू इन्फिनी प्रॉब्लम एक और सेकेंड सोल्यूशन हमने ये देखा कि स्प्लिट होराइजन विथ पॉइजन रिवर्स यानी हर नोड जो है अपने सक्सेसर को उससे ऑप्टेन की हुई राउटिंग एंट्री को नेगेटिव कॉस्ट के अंदर एडवर्टाइज करें ये मुख्तु किस्म के सोल्यूशंस थे जो कि हमने डिस्टेंस वैक्टर राउटिंग के एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यानी काउंट टू इन्फिटी का जो प्रॉब्लम था उसके लिए ये स्टडी किए इसके बाद वी हैव मूव्ड ऑन टू लिंक स्टेट राउटिंग लिंक स्टेट राउटिंग के अंदर हमने देखा कि अप्रोच ऑल टूगेदर डिफरेंट है डिस्टेंस फैक्टर राउटिंग के अंदर हमने जिस तरह से इंफॉर्मेशन ऑफ आवर राउटिंग टेबल और आवर विजन ऑफ द टोपोलॉजी अपने नेबर नोट को हर इटरेशन के अंदर पास ऑन की थी लिंक स्टेट में इससे काफ़ी डिफरेंट है लिंक स्टेट के अंदर असल में हम अपने नेबर के साथ लिंक्स की स्टेट प्रोपोगेट करते हैं पूरे नेटवर्क के अंदर हर नोड पीरियोडिकली आफ्टर सम स्पेसिफिक डिफाइंड इंटरवल अपने नेबर के साथ जितने भी लिंक्स होते हैं और उनकी स्टेट इंफॉर्मेशन पूरे नेटवर्क के अंदर डिसेमिनेट करती है इस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्लडिंग फ्लडिंग मीन्स डेट वन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ ब्रॉडकास्टेड और वो फॉरवर्ड होता हुआ हर नोड के साथ पूरे नेटवर्क के अंदर पहुंच जाता है इसका एक फ़ायदा तो ये है कि लिंक स्टेट राउटिंग में प्रोटोकॉल्स बड़ी जल्दी कन्वर्ज कर जाती है क्यों इसलिए कि ये जो नई इंफॉर्मेशन है ये हर इटरेशन में एक हॉप आगे प्रोग्रेस नहीं कर रही बल्कि एक ही दफ़ा पूरे नेटवर्क के अंदर डिसेमिनेट हो गई या फ्लड हो गई तो आपको अप टू डेट इंफॉर्मेशन फ़ौरन मिल जाती है हर नोट के ऊपर ये जो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है ये एक बेसिक यूनिट है लिंक स्टेट राउटिंग का इसको हम कहते हैं एल लिंक स्टेट पैकेट अब ये ऑल दो इशू मेंटेन रहता है कि इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जब हम पूरे नेटवर्क के अंदर डिसेमिनेट करते हैं तो उसको स्टोर भी करना होता है उसके ऊपर आपको डाइक्स्ट्रास का एल्गोरिथम भी रन करना होता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन है जिसको आप यूज़ करते हुए शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट करते हैं आपको याद होगा कि हमने ये चीज़ भी डिस्कस की थी कि किस तरह एक स्मॉल नेटवर्क के ऊपर हम इफेक्टिवली इस डाइक्स्ट्रास के एलगोरेथम को रन करें लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल की अप्रोच को यूज़ करें एक कन्फर्म लिस्ट बनाएं एक टेंटेटिव लिस्ट बनाएं इन दो टेबल्स के अंदर हम लिटिल बाय लिटिल एंट्रीज को मूव करते जाएं और अप टू डेट रखते जाएं हमने एक कैलकुलेशन भी की थी कि किस तरह से लिंक स्टेट राउटिंग के अंदर आपके पास फाइनली शॉर्टेस्ट पाथ कंप्यूट होते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने अपने पिछले लेक्चर को फिनिश किया था आइए हम इसी टॉपिक को आगे लेकर चलते हैं आज हम लिंक स्टेट राउटिंग के टॉपिक को कंक्लूड करेंगे और उसके बाद कुछ मैट्रिक्स की बात करेंगे एंड देन वी विल मूव ऑन टू राउटिंग इन दी मोबाइल होस्ट जैसे कि हमने देखा कि लिंक स्टेट राउटिंग के अंदर ये प्रोटोकॉल की जो कन्वर्जेंस है वो फास्ट है इसके अलावा इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो पूरे नेटवर्क के अंदर फ्लड की जाती है इसकी बेस के ऊपर आपने एक प्रैक्टिकल प्रोटोकॉल जो है वो इवॉल्व की दैट इज कॉल्ड ओ ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट ओपन का लव्स इसलिए बिकॉज इट वॉज ओपन फॉर ऑल इट वॉज नॉट अ प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल और एस पी एफ मीन्स शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट जो कि बेसिकली लिंक स्टेट प्रोटोकॉल ही की एक ऑल्टरनेट टर्मिनोलॉजी तो ओ एस पी एफ के अंदर लिंक स्टेट की प्रोटोकॉल इसी की अप्रोच यूज होती है ऑल दो इसके अंदर आपने देखा कि कुछ इन्हेंसमेंट्स भी की गई है. इन इन्हेंसमेंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि मैसेजेस की ऑथेंटिकेशन ऐड की गई है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट ऑल द इंफॉर्मेशन डिसेमिनेटेड इन दैटवर्क शुड बी ऑथेंटिकेटेड आपका उस पर ट्रस्ट होना चाहिए अगर ये मैसेजेस की ऑथेंटिकेशन ओ के अंदर मौजूद है तो उसकी वजह से आपने मिसबिहीविंग नोट्स को एक तरह से अवॉइड किया है सेकेंड जो इसके अंदर एक्सटेंशन एड की गई है दैट इज दर् ओ एस पी एफ के अंदर ये पॉसिबिलिटी मौजूद है कि आप अपने राउटिंग डोमेन को मल्टीपल एरियाज के अंदर डिवाइड कर लें और फिर अब हर राउटर को ये इंफॉर्मेशन एग्जैक्टली exactly नहीं चाहिए कि किसी भी एरिया के अंदर किसी भी नोड या नेटवर्क तक कैसे पहुंचने रादर राउटर ओनली नीड टू हैव करेक्ट अप टू डेट इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ टू रीच द करेक्ट एरिया और उस एरिया के अंदर चूंकि आपने हिरार्किकल लेवल्स बना दिए तो फिर उसके अंदर इंडिविजुअल नोड या नेटवर्क तक पैकेट को पहुंचाना उस नेटवर्क उस एरिया के अपनी राउटिंग प्रोटोकॉल की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंसिडर होगी इस तरह से ना सिर्फ ये कि आपने जो टोटल इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट करनी है वो कम कर दी बल्कि राउटर्स के ऊपर कितनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होने चाहिए इन अ डोमेन वो भी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो गई एक थर्ड चीज़ जो कि आपने ओ के अंदर ऐड की दैट वॉज लोड बैलेंसिंग लोड बैलेंसिंग का मतलब यह है कि ओ ने एक ही कॉस्ट uh, या वेट असाइन कर दिया एक डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए दो डिफरेंट ऑल्टरनेट पाथ्स को और उसकी वजह से आपने अपने पैकेट्स को दो दैट आर गोइंग टू द सेम डेस्टिनेशन पहले एक पाथ के ऊपर भेजा फिर दूसरे ऑल्टरनेट पाथ के ऊपर भेजा और इस तरह से आपने लोड शेयरिंग और लोड बैलेंसिंग के मैकेनिज्म को इफेक्टिवली यूज़ किया तो ये कुछ एक्सटेंशन थी जो कि ओ एस पी एफ दैट इज अ प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल वो उसके अंदर एड की गई हैं स्टूडेंट्स जिस तरह हमने देखा कि लिंक स्टेट की प्रोटोकॉल कन्वर्ज बहुत तेजी से करती है ये उसका एडवांटेज है लेकिन उसका एक डिसएडवांटेज भी है दैट इज जब आप पूरे नेटवर्क के अंदर एल एस पी को प्रोपोगेट करते हैं डिसेमिनेट करते हैं देन द थिंग इज ईच एंड एवरी नोड हैज़ टू स्टोर दिस लिंक स्टेट पैकेट इस लिंक स्टेट पैकेट की स्टोरेज uh, की वजह यह है कि हर नोट को अपने पास हर नोट का भेजा हुआ एल जो कि उसका मोस्ट रिसेंट एल होगा वो स्टोर करना है और इस सारी इंफॉर्मेशन के ऊपर उसने डाइक्स्ट्रास का एल्गोरिथम रन करना है तभी तो वो इस पूरी कंप्लीट टोपोलॉजिकल इंफॉर्मेशन के ऊपर uh, इस एल्गोरिथम को रन करके शॉर्टेस्ट पाथ कंप्यूट कर सकता है टुवर्ड ऑल द डेस्टिनेशन इन दी नेटवर्क तो एक आपने एडवांटेज देखा कि रैपिड क्विक कन्वर्जेंस है बहुत ज़्यादा अपडेट्स नहीं है इसके अंदर लेकिन इसका एक जो साथ में ट्रेड ऑफ है दैट इज़ दैट यू नीड टू हैव अ स्टोरेज प्लेस सो दैट यू कैन स्टोर ऑल दी एल एस पीज सेंट बाई ऑल दी नेटवर्क नोट्स स्टूडेंट्स ये वो इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन्स थी जो कि हमने ओ एस पी एफ के बारे में की अब अगर हम इसको कंपेयर करें तो आप देखिए कि डिस्टेंस फैक्टर राउटिंग के अंदर जो इम्पॉर्टेंट फिनमिना है दैट इज़ वेरी डिफरेंट वी सेंड द इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द नोड्स, दैट इज़ अवेलेबल इन आवर राउटिंग टेबल टू ओनली आवर नेबर्स इसी तरह है कि डिस्टेंस फैक्टर के अंदर जो अपडेट होती है वो असल में हमारे पूरे राउटिंग टेबल का एक कंक्लूजन समरी होती है जो कि हम अपने सारे नेबर्स को एक एक इटरेशन में भेजते हैं इसके अगेंस्ट लिंक स्टेट राउटिंग के अंदर हम सिर्फ अपने नेबर्स की इंफॉर्मेशन पूरे नेटवर्क में डिसेमिनेट करते हैं सो दिस इज़ द बेसिक फिलोसफिकल डिफरेंस जो आपका थीम है वही बिल्कुल डिफरेंट है डिस्टेंस ट्रक्टर के अंदर आपने सारी नोट्स की नेटवर्क सारे नेटवर्क नोट्स की जो इंफॉर्मेशन है वो आपने नेबर्स को भेजी जबकि लिंक स्टेट राउटिंग के अंदर आपने सिर्फ नेबर्स की इंफॉर्मेशन तमाम नोट्स को भेजी स्टूडेंट्स इसके बाद जो इश्यूज़ होंगे वो राउटिंग के कॉन्टेक्स्ट में हम डिस्कस uh, करेंगे दैट विल बी हिरार की स्केलेबिलिटी वो इनशाला हम अपने जो सेकंड पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर है जिसमें नेटवर्क और स्केलेबिलिटी और फिर इंटर अटोनस सिस्टम राउटिंग उसमें इनशाला डिस्कस करेंगे उस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आइए हम अपना एक टॉपिक और कंप्लीट कर लेते हैं दैट इज़ राउटिंग इन दी मोबाइल होस्ट ये जो हरारकी हमने डिवेलप की थी इसके अंदर इसकी वजह से कई फायदे भी थे और कुछ आपने देखा कि डिसएडवांटेजेस भी हैं फ़ायदा आपको ये मिला कि आपने हर नोट के ऊपर जो इंफॉर्मेशन स्टोर करनी थी वो कम कर दी लेकिन अब आपके पास हो सकता है कि कुछ इनएफिशिएंट या लेस देन ऑप्टिमल पाथ्स भी डेवलप हो जाए नेटवर्क के अंदर क्योंकि जब भी आप फिर आर्कल राउटिंग करते हैं उस एरिया या डोमेन का जो एक राउटर है पहले आपको उस तक पहुंचना होता है और उसके बाद आपको इंडिविजुअल नोड तक एड्रेस करना होता है जबकि ये पॉसिबल है कि अगर फ्लैट राउटिंग मैकेजम हो तो इंडिविजुअल नोड्स आपस में जो भी पॉसिबल ऑप्टिमल शॉर्टेस्ट पाथ है उसके ऊपर कम्युनिकेट कर सके तो स्टूडेंट्स हमने राउटिंग प्रोटोकॉल के कंपैरिजन भी देखे ये भी देखा कि किस तरह से इसके अंदर हम शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट करते हैं लेकिन आपको मालूम है कि इसके अंदर एक बहुत ही बुनियादी और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यूज़ हो रही है दैट इज़ द मैट्रिक यूज फॉर ईच एंड एवरी लिंक ऑबियसली उसी मैट्रिक की बेस के ऊपर ही तो आपने कहा कि ये जो है ये शॉर्टेस्ट पाथ है और ये जो आल्टरनेट पाथ है ये शॉर्टेस्ट नहीं है इट इज़ नॉट बेटर देन दैन सिलेक्टेड वन तो ये मैट्रिक आखिर कौन सा मैट्रिक हो ये किस किस्म की इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करे ताकि आप एंड टू एंड पाथ्स जो राउट्स हैं वो शॉर्टेस्ट या बेस्ट नोशन के मुताबिक कैलकुलेट कर सकें इन मैट्रिक्स के ऊपर बहुत रिसर्च भी हुई ओवर टाइम ये इवॉल्व भी हुए बल्कि आप देखिए कि जो हमारा इंटरनेट से पहला नेट का नेटवर्क था दैट बिकेम्स एन एक्सपेरिमेंटल ग्राउंड फॉर दिस मैट्रिक्स उसके अंदर कई दफ़ा राउटिंग प्रोटोकॉल के ये मैट्रिक्स चेंज किए गए पहला ओरिजिनल एक मैट्रिक था आरपानेट का जो कि यूज़ किया गया बाद में उसके प्रॉब्लम्स की वजह से आपने एक नया मैट्रिक उसके अंदर यूज़ करना शुरू किया और इवन उसमें भी जब प्रॉब्लम्स आए देन यू हैव फॉर्म अ रिवाइज्ड मैट्रिक फॉर दिस आर्पानेट इसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप कंटेन कर सकते हैं देखिए वन ऑफ द सिंपलेस्ट थिंग विल बी कि आप हर लिंक को जो कॉस्ट असाइन करते हैं यू जस्ट गिव कॉस्ट वन इक्वल फॉर ऑल दी लिंक्स इसमें प्रॉब्लम ये होगा कि अगर आपके पास स्लो स्पीड लिंक है और हाई स्पीड लिंक है दोनों की कॉस्ट इक्वल हो जाएगी एंड यू विल नॉट बी एबल टू प्रेफर अ हाई स्पीड लिंक इन कंपैरिजन विद द लो स्पीड लिंक इसी तरह से किसी एक लिंक के ऊपर अगर लेटेंसी बहुत ज़्यादा और कम है तो आप उसको भी किसी तरह से प्रेफरेंस नहीं दे पाएंगे और हो सकता है कि किसी एक कम बैंडविड ज़्यादा लेटेंसी वाले लिंक के ऊपर ही प्रेफरेंस रहे राउटर्स की और वहां पर पैकेट्स uh, ज़्यादा भेजे जाएँ जबकि दूसरे हाई स्पीड लो लेटेंसी लिंक्स जो हैं वो आइडल रहे इन मैट्रिक्स में बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो कन्वे की जा सकती है फॉर एग्ज़ाम्पल डिस्टेंस की इन्फॉर्मेशन बैंडवर्थ की इंफॉर्मेशन लेटेंसी की इंफॉर्मेशन और इसके अलावा क्यू लेंथ के कितने पैकेट्स इस वक्त इस लिंक को यूज़ करने के लिए क्यू में मौजूद हैं और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि आपके मैट्रिक के तौर पर बिहेव कर सकते हैं और उनकी बेसिस के ऊपर आप पूरे नेटवर्क के अंदर शॉर्टेस्ट पाथ या फास्टेस्ट पाथ या वट एवर नोशन यू वुड लाइक टू हैव उसके मुताबिक पाथ कैलकुलेट कर सकते हैं तो हम इन्हीं मैट्रिक्स और इससे रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उनको लेकर आगे चलते हैं और उसके ऊपर मज़दीद डिटेल से डिस्कशन करते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो इंटरनेट से पहले आरपानेट का नेटवर्क था वो एक्सपेरिमेंटल ग्राउंड बना इन सारे मैट्रिक्स को एक्सपेरिमेंट करने के लिए जो ओरिजिनल मैट्रिक आरपा नेट के अंदर यूज़ किया गया उसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्टर रखा गया लिंक कॉस्ट के तौर पे, दैट वाज द क्यू लेंथ यानी कितने पैकेट्स वेट कर रहे हैं इस लिंक के लिए ताकि उनको इसके ऊपर ट्रांसमिट किया जाए ये इसलिए इन्विजन किया गया कि क्यों लेंथ ही को मैय किया जाए क्योंकि ओरिजिनली अगर आप देखिए तो वहाँ पर जो लिंक थी उसकी बैंडविड बहुत कम थी ओरिजिनली आरपानेट के अंदर जो लिंक्स अवेलेबल थे दैट वर अराउंड 9.6 पॉइंट पर सेकेंड और मैक्सिमम मे बी फिफ्टी किलोबिट पर सेकेंड लीज लाइन्स जिनके ऊपर आपका आरपा नेटवर्क चलता था उस वक्त ये चीज़ नहीं फील की गई कि लिंक्स की जो बैंड हैं वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होंगी दैट विल बी यूजअली मोर और लेस सेम इसी तरह से लेटेंसी जो है क्योंकि ये सब के सब नेटवर्क लीज लाइन के ऊपर थे दैट वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड काइंड ऑफ इरेलीवेंट मैट्रिक कि इस इंफॉर्मेशन को भी हम अपने डिस्टेंस के या कॉस्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट करें तो क्यू लेंथ ही एक वाद वो मैट्रिक बना जिसकी बेसिस के ऊपर ओरिजिनल अर्पानेट के अंदर इसको मैट्रिक के तौर पर राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर यूज किया गया लेकिन इसमें प्रॉब्लम्स अराइज होना शुरू हो गए क्यों इसलिए कि लिटिल बाय लिटिल जैसे जैसे ये नेटवर्क या इंटरनेट इवॉल्व होता गया हमारी ये एजेंशन इन हो गई कि जो आपके लिंक्स की बैंडविड्थ है वो मोर और लेस यूनिफॉर्म है अब कुछ लिंक्स के ऊपर तो मेगाबिट पर सेकंड की आपको बैंडविड्थ मिलनी शुरू हो गई और कुछ लिंक उसी तरह से किलोबिट पर सेकेंड सम किलोबिट पर सेकेंड के ऊपर ही रहे एडिशनल ये चीज़ कि हमने कहा था कि लेटेंसी इज़ ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म दैट इजम्पन ऑल्सो बिकेम इनवेलिड क्योंकि आपके पास जो सैटेलाइट लिंक्स थे उनके ऊपर लेटेंसी काफ़ी ज़्यादा थी जबकि जो टेरेस्ट्रियल लिंक्स थे उनके ऊपर लेटेंसी कुछ कम थी इसी तरह से बैंड बिट मैंने जैसा बताया कि किलोबिट पर सेकेंड और मेगाबिट पर सेकेंड के कंपेरिजन में आने शुरू हो गई जब ये चीज़ें बीच में आई तो सिर्फ क्यू लेंथ जो है दैट डजेंट रियली रिफ्लेक्ट कि आप किसी ऐसे लिंक को प्रेफर करें जिसके ऊपर पैकेट्स तो कम हैं इट मे हैव टू मच लेटेंसी और इट मे हैव टू लो बैंडविट जिसकी वजह से हुआ ये कि सिर्फ इस वजह से कि इस लिंक के ऊपर पैकेट्स कम क्यू अप हुए में आपने उन पाथ्स के थ्रू राउटिंग करनी शुरू की और हाई स्पीड लिंक्स जो हैं वो uh, आइडल पड़े रहे इसकी वजह से हमने इस ओरिजिनल आर मैट्रिक को चेंज किया और एक नए मैट्रिक का नाम दिया जिसको कहा न्यू आरपानेट मैट्रिक अपने पिछले एक्सपीरियंस से लेसन लेते हुए इस न्यू आरपानेट मैट्रिक के अंदर जो चीज़ें इनकॉर्पोरेट की गई वो पैकेट की क्यों नहीं थी यानी कितने नंबर ऑफ पैकेट्स हैं बल्कि क्यों इनका डिले ऐड किया इसके अलावा वो बैंडविथ और लेटेंसी का फैक्टर जो कि अब इस नए नेटवर्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था और सिग्निफिकेंटली डिफरेंट था मुख्तलि लिंक्स के ऊपर और मुख्तु नेटवर्कस के अंदर वो तीनों चीज़ें हमने इनकॉर्पोरेट की बैंडविड लेटेंसी और क्यू इन डिले अच्छा क्यू इन डिले को मैयर किस तरह से किया गया क्योंकि पैकेट जो क्यू लेंथ है वो तो मैयर करना बहुत आसान है यू हैव जस्ट नोटेड कितनी कितने पैकेट इस वक्त क्यू अप हुए हुए, हुए हैं किसी लिंक के ऊपर ट्रांसमिट होने के लिए ंग डिले मयर करने के लिए आपने यह किया कि जैसे ही एक पैकेट आपके पास रिसीव हुआ आपने उसको टाइम स्टैम्प किया फॉर अराइवल टाइम और उसके बाद क्यू में वेट करने के बाद जब उसको बारी मिली इन ऑर्डर टू बी ट्रांसमिटेड टू दउट गोइंग लिंक आपने उसको दोबारा टाइम स्टैम्प किया और यह चीज देख ली कि डिपार्चर टाइम और अराइवल टाइम में कितना फर्क है तो ये जो डिफरेंस था अराइवल टाइम और डिपार्चर टाइम का ये हमने देखा कि दिस इज इनफैक्ट द क्यूइंग डिले जितनी देर वो क्यू में वेट करता रहा है एक ये फैक्टर हो गया दूसरा कॉम्पोनेंट हमने बैंडवेड का ले लिया इट इज़ ट्रांसलेटेड इन टू ट्रांसमिशन टाइम विच इज़ दी वेरी मच प्रपोर्शनल टू द बैंडवेड और फिर लेटेंसी ये तीन टाइम के फैक्टर्स जो हैं ये हमने इनकॉर्पोरेट किए और एक डिस्टेंस का मैट्रिक जो है वो इवॉल्व किया फॉर दिस न्यू आरपनेट मैट्रिक इन तीनों जो uh, हमारे फैक्टर्स थे जिसके थ्रू हमने ये डिस्टेंस का मैट्रिक इवॉल्व uh, किया और कंप्यूट किया इसमें भी लेटर ऑन हमें प्रॉब्लम्स आने शुरू हुई क्यों इसलिए कि ये जो आपका क्यूइंग डिले है ये एक डायनामिक क्वांटिटी थी हुआ ये कि इसमें बहुत सारी ऑसलेशन आने शुरू हो गई जैसे ही एक नोट के पास बहुत ज़्यादा क्यूइंग डिले हो जाता था तो उसने ये चीज़ एडवर्टाइज़ की जैसे ये चीज़ नेटवर्क के अंदर एडवर्टाइज़ की गई सारी नोड्स ने अपने अपने पाथ जो हैं वो उस लिंक से हटा के कि किसी ऑल्टरनेट पाथ पे शिफ्ट कर दिए तो ऑब्वियसली एकदम से वहां पर क्यूंग डिले बहुत ही कम हो गया बिकॉज नाउ नो वन इज़ यूजिंग दैट पाथ फॉर इट्स इन इन दी राउट जब सब ने अपना ट्रैफिक अपनी ट्रैफिक जो है वो उस पाथ से शिफ्ट कर ली तो अब उसके ऊपर क्यूंग डिले बहुत कम हो गया उसने जब ये नया मैट्रिक एडवर्टाइज़ किया तो सबको मालूम हुआ कि ये दिस विल बी दी बेस्ट पाथ सब ने वापस अपनी सारी ट्रैफिक उस लिंक के ऊपर डाल दी ये जो ऑसिलेशनस होनी शुरू हुई डायनेमिक चेंज की वजह से क्योंकि ये मैट्रिक इट सेल्फ डायनेमिक है कि क्यूइंग डिले कितना होगा उसकी वजह से ये ऑसिलेशन नेटवर्क के अंदर अकर हुई और प्रोड्यूस की हुई ये इतना डिज़ायरेबल फिनोमिना नहीं है लाइट लोड के ऊपर तो इट इज़ ओके क्योंकि लाइटली लोडेड नेटवर्क के ऊपर ये क्यूंग डिले बहुत ज़्यादा बढ़ा भी नहीं और ना ही एक एब्रप्टली कम हुआ लेकिन हैवी लोड कंडीशन के अंदर जब कंजेशन होती है नेटवर्क के ऊपर तो आपको मालूम है कि क्यू जो है वो बहुत बड़ी हो जाती है और क्यू डिले सिग्निफिकेंटली हाई हो जाता है इसी वजह से हाईली लोडेड नेटवर्क्स के ऊपर जहाँ पर बहुत हीवी लोड होता है और का जो फिनिना है ये बहुत फ्रीक्वेंटली अकर होना शुरू हुआ इसको सॉल्व करने के लिए फिर एक थर्ड मैट्रिक जो है वो आरपा के अंदर यूज किया गया और वो था रिवाइज आरपा नेट मैट्रिक एक और चीज़ जहन में रखिए कि न्यू आर पनेट मेट्रिक के अंदर एक एडिशनल चीज़ जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए दैट वॉज कि अभी तो आपने एक हाई कॉस्ट एडवर्टाइज़ की थी और थोड़ी ही देर के बाद आपने बहुत ही लो कॉस्ट एडवरटाइज़ की यानि ये जो आपकी टोटल रेंज थी दैट यू कैन एडवरटाइज इट कैन रियली चेंज सिग्निफिकेंटली और ये जो रेंज ऑफ वैल्यूज़ थी इट वॉज़ टू लार्ज एक कोशिश ये भी की गई कि जो टोटल रेंज ऑफ वैल्यूज़ है जो कि आप एडवर्टाइज करते हैं ये किसी बाउंड के अंदर होनी चाहिए इट शुड बी कम्प्रेस दिस रेंज शुड बी नॉट टू मच वेरी वेरी डिफरेंट ताकि एक नोट जो किसी वक्त लाइटली लोडेड है वो एकदम से ये एडवर्टाइज़ ना करे कि नाउ आई एम वेरी हैविली लोडेड और सारी ट्रैफिक जो है उधर से मूव हो के कहीं और चली जाए बिकॉज दैट वॉज इनफैक्ट द बेसिक फिनमिना बिहाइंड जिसकी वजह से ये ऑसीलेशन प्रोड्यूस हों तो इस रिवाइज आरपा नेट मैट्रिक के अंदर हमने ये दोनों चीज़ें की कि हमने जो क्यूइंग डिले था उसकी बजाय लिंक की यूटिलाइजेशन को मैयर किया और उसके बाद ये चीज़ रेस्ट्रिक्ट की कि जो हमारी रेंज है जो कि एडवर्टाइज़ की जाती है कॉस्ट की वो बहुत ज़्यादा डिफर ना करे तो हमने उस डायनेमिक रेंज को रेस्ट्रिक्ट कर दिया बैंडविथ और लेटेंसी के भी जो मैट्रिक्स हैं उनको केयरफुली हमने अडोप्ट किया और उनको ओवर अ सर्टेन पीरियड इन टाइम एवरेज किया आपने ये चीज़ मेंटेन की कि एक लिंक जब भी अपनी कॉस्ट एडवर्टाइज़ करे या उसके अंदर कॉस्ट में जो चेंजेस हो वो थ्री टाइम्स मैक्सिमम हो सकती है यानी एक ही लिंक के ऊपर लाइटली लोडेड सिनेरियो के अंदर जो कॉस्ट है इट शुड बी और जो हाईली हैवी लोड कंडीशन के अंदर जो उसकी कॉस्ट है इट शुड बी मैक्सिमम थ्री टाइम्स दी लाइटली लोडेड कंडीशन सिनेरियो प्लस पूरे नेटवर्क के अंदर यानी एक नोड के ऊपर जितने भी लिंक्स हैं उनमें से जो लीस्ट एक्सपेंसिव है और जो मोस्ट एक्सपेंसिव है इनकी कॉस्ट जो है वो सेवन टाइम से ज़्यादा नहीं हो सकती यानी इस तरह से आपने ये जो रेंजेस हैं ये रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की इसका फ़ायदा ये था कि जब आप बहुत ज़्यादा डिफरेंट और सिग्निफिकेंटली डिफरेंट कॉस्ट एडवर्टाइज नहीं करते तो जो ऑसिलेशन का फिनना है वो खुद ब खुद डैम्प हो जाता है क्यों इसलिए कि अगर आपने पहले कॉस्ट एक्स अनाउंस की थी और अब मैक्सिमम थ्री एक्स अनाउंस कर दिया उस लिंक के ऊपर कॉस्ट तो कुछ नोट्स के लिए तो ऑब्वियसली ये अट्रैक्टिव होगा कि इस नोड को या इस लिंक को अब यूज़ ना करें अपने पाथ के लिए लेकिन बहुत सारी और नोट्स के लिए ये फिर भी अट्रैक्टिव होगा कि इसी पाथ को यूज़ करें यानी इस रेंज को रिड्यूस करने का जो बेसिक फ़ायदा ये हुआ वो ये था कि चूंकि इसके अंदर बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं था ये नहीं था कि आपने को हंड्रेड टाइम्स डिफरेंट कॉस्ट अनाउंस कर दिया तो लिहाजा कुछ नोड्स ने इसी पाथ को कंटिन्यू किया और कुछ नोड्स ने डिफरेंट ऑल्टरनेट पाथ को यूज़ किया इसकी वजह से आपका ये लिंक भी यूज़ में रहा और जो ऑल्टरनेट पाथ थे वो भी यूज में रहे तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने देखा कि आरपा नेट के अंदर तीन डिफरेंट किस्म के मैट्रिक यूज़ किए गए ओरिजिनल आरपा नेट का मैट्रिक जिसमें सिर्फ क्यूंग क्यू लेंथ थी दैट वॉज द मैट्रिक उसको फिर ओवर टाइम इवॉल्व किया गया और एक न्यू आरपानेट का मैट्रिक आया जिसके अंदर आपने बैंडविथ लेटेंसी और क्यूइंग डिले को इनकॉर्पोरेट किया और फिर एक तीसरा जिसको हमने कहा रिवाइज आरपानेट मैट्रिक जिसके अंदर आपने इसको फाइनली ट्यून अप किया क्योंकि ये जो ऑसिलेशन का फिन था ये बहुत ज़्यादा डिजायरेबल नहीं है इसके बाद हम आगे चलते हैं कि जब हमने ये चीज़ डिफाइन कर ली कि देर विल बी सर्टेन मैट्रिक्स जिनकी बेस के ऊपर हम शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट करेंगे और ये मैट्रिक्स कैन बी वेरी कॉम्प्लेक्स दैट मे बी कम्पोज ऑफ सो मैनी अदर फैक्टर फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस लिंक यूटिलाइजेशन क्यूइंग डिले बैंडवेड लेटेंसी एटसेट्रा एटसेट्रा यू कैन मेक इट रियली कॉम्प्लिकेटेड तो जब इस चीज को हमने फाइन ट्यून कर लिया और ये देख लिया कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आपको बहुत सारे पैरामीटर्स uh, को इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है मैट्रिक्स की नोशन के अंदर कॉस्ट की नोशन के अंदर तो अब हम इसके ऊपर बिल्ड करते हुए आगे चलते हैं कि अब इस पूरे इंटरनेट के अंदर राउटिंग के मैट्रिक्स किस तरह से डिटर्मिन किए जाते हैं स्केलेबिलिटी के इश्यूज क्या हैं और फिर हम ये देखें कि ये जो आपने पूरे नेटवर्क uh, के अंदर एड्रेसिंग करनी है वो किस तरह से मैनेज की जाती है यानी अब हम एक छोटे नेटवर्क से एक बड़े स्केलेबल नेटवर्क तक मूव करेंगे और फिर राउटिंग के इश्यूज़ इन बड़े नेटवर्क के लिए क्या होते हैं वो डिटर्मिन करने की कोशिश करेंगे इसमें सबसे पहले जो हमारे सामने इश्यू आएगा वो ये कि हम जब हेरार्किकल एड्रेस स्पेस यूज़ करते हैं जो कि मैंने आपको बताया आई एड्रेसिंग के अंदर यूज़ होती है क्लास बेस एड्रेसिंग के एक नेटवर्क पोर्शन है और एक होस्ट पोर्शन है आप राउटर्स के ऊपर सिर्फ नेटवर्क पोर्शन मेंटेन करते हैं और उसका फायदा ये होता है कि टोटल नंबर ऑफ़ एंट्रीज जो है राउटिंग टेबल के अंदर वो बहुत कम होती हैं और राउटर्स को जो सर्च करनी होती है दैट बिकम्स एफिशिएंट बिकॉज ऑफ दिस स्मॉलर नंबर ऑफ एंट्रीज लेकिन इस हरार्किकल एड्रेस यूज की वजह से एड्रेस स्पेस इट जो है वो बहुत इनफिशेंटली यूज होती क्यों इसलिए कि एक पूरे नेटवर्क पोर्शन को आपने रिजर्व कर लिया बट इट इज़ नॉट गारंटेड कि जितने नंबर ऑफ होस्ट उस नेटवर्क के साथ अवेलेबल थे वो सब के सब एड्रेसेस आपने यूज किए हैं यह हो सकता है कि आपने क्लास सी एड्रेस लिया हो और आपके पास टोटल कैपेसिटी 256 फिफ्टी uh, सिक्स की है और आप सिर्फ दो नोट के साथ काम कर रहे हैं देन एड्रेस यूटिलाइजेशन विल बी लेस देन वन परसेंट जीरो पॉइंट सेवन एट परसेंट एड्रेस यूटिलाइजेशन एफिशेंसी होगी इसी तरह से अगर आपने क्लास बी का एड्रेस लिया और आपके पास सिर्फ टू फिफ्टी सिक्स या टू फिफ्टी सेवन होस्ट हैं पूरे नेटवर्क के अंदर और आपको मालूम है कि टोटल तो 64,000 होस्ट की कैपेसिटी है तो आप लेस देन जीरो पॉइंट फोर परसेंट के ऊपर रियली अनएक्सेप्टेबल ये प्रॉब्लम्स जो हैं ये भी हम नेटवर्क के स्केलेबिलिटी के इश्यूज के अंदर डिस्कस करेंगे कि हम किसको किस तरह से रिजॉल्व कर सकते हैं फिर इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि ये जिस वजह से क्ला क्लास हिरारकी बनाई गई है वो यही था कि राउटर्स के ऊपर जो एंट्रीज हैं वो बहुत कम हों ये ना हो कि आप इसको बिल्कुल रिमूव कर दें और राउटर्स के ऊपर बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्टिव टेबल्स क्रिएट हो जाएं और उनकी जो एफिशिएंसी या परफॉर्मेंस वो बहुत ज़्यादा हैम्पर हो जाए इन दोनों सैनारी को सामने रखकर फिर हम स्केलेबल नेटवर्कस की तरफ मूव करेंगे स्टूडेंट स्केलेबल नेटवर्क को डिस्कस करने से पहले हम अपने एक और टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं दैट इज राउटिंग इन दी मोबाइल होस्ट ये भी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इससे आपको मालूम होगा कि नोड की मूवमेंट की वजह से जो प्रॉब्लम्स अकर होते हैं उनको हम राउटिंग के अंदर किस तरह से सॉल्व करते हैं यह आपको मालूम है कि इंटरनेट राउटिंग के अंदर हम नेटवर्क पोर्शन की बेस के ऊपर राउटिंग करते हैं एक होस्ट जिस नेटवर्क से बिलोंग करता है पूरे नेटवर्क के अंदर या इंटरनेट के अंदर उसके पैकेट्स उसी नेटवर्क पोर्शन की बेस के ऊपर राउट होते होते उसके अपने नेटवर्क तक पहुंचते हैं और फिर उसके पैकेट इंडिविजुअली उस नोड तक डिलीवर होते हैं अगर ये नोड मोबाइल हो जाए किसी वजह से अपने नेटवर्क में से मूव करके किसी और जगह पर चले जाए तो सबसे पहला प्रॉब्लम जो कि हमें फेस करना होगा वो ये कि जितने भी पैकेट्स इस नोड को भेजे गए हैं वो तो इन एनी केस इसके अपने नेटवर्क तक जाएंगे नाउ द नोड इज नॉट अवेलेबल देयर वो नोट जो है मूव करके किसी और नोट पे चले गई अब आप ये कह सकते हैं कि ओके इन ऑर्डर दैट ऑल दैकेट शुड बी राउटेड टू दैट न्यू नेटवर्क अब उस नोट को एक नई पी एड्रेस असाइन कर दिया जाए देर आर सो मैनी पॉसिबिलिटीज कि आप उसको किस तरह से एड्रेस असाइन करें और नोट मूव करके किस तरह से दूसरे नेटवर्क के अंदर जाए इसमें आपके पास बेसिकली दो सीरियोज बनते हैं एक तो ये है कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर फिक्स है नोड्स मोबाइल यानी मोबाइल होस्ट विथ फिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर ये इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं इवन जो आपका सेलुलर नेटवर्क है उसके अंदर आप देखिए कि आपकी नोड्स मोबाइल होती हैं लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो फिक्स होता है हम मोबाइल आईपी के कॉन्सेप्ट में इसको स्टडी करेंगे उसमें भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर फिक्स होगा और यूजुअली होस्ट विल बी मोबाइल और हम उनको देखेंगे किस तरह से कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सकते हैं सेकंड सिनेरियो जो है वो आपका मोबाइल एडहॉक नेटवर्क्स का जिसमें ना सिर्फ ये कि नोड्स मोबाइल हैं बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी डायनामिक है क्यों इसलिए कि वो नोट सेल्फ दे ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू फॉर्म द इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे जैसे नोड्स खुद मूव करती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर भी डायनामिक होता है और वो मूव करता जाता है और पूरे नेटवर्क की टेक्नोलॉजी चेंज होती है इसी को हम एडहॉक नेटवर्क्स कहते हैं हम पहले ये देखेंगे कि अगर होस्ट मोबाइल हो और आपका जो नेटवर्क है या इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो फिक्स हो तो किस तरह से नोड्स को कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जा सकती है एक सिनेरियो तो ये है कि अगर नोड मूव करके किसी और नेटवर्क पर चली जाए तो वो अपना जो आईपी एड्रेस है वो चेंज कर ले उसको इसलिए चेंज करना पड़ेगा जैसे कि मैंने अभी मैंशन किया कि पूरे इंटरनेट के अंदर जो राउटिंग है वो तो नेटवर्क पोर्शन के ऊपर ही होनी है आपके इंटरनेट के राउटर्स नेटवर्क पोर्शन की बेस के ऊपर सारे पैकेट्स को उस नेटवर्क तक पहुंचा देंगे अगर आपने पिछला ही एड्रेस मेंटेन रखा तो सारे पैकेट्स आपके पिछले नेटवर्क तक ही पहुंचेंगे देन वुड यू वुड लाइक टू हैव अदर मैकेनिज्म के आपके पैकेट्स को रीडायरेक्ट करके इस नए नेटवर्क तक पहुंचाया जाए एक सोल्यूशन तो ये है कि आप नए नेटवर्क में जाकर uh, एक नया ही एड्रेस एक्वायर कर लें देर आर सो मेनी पॉसिबिलिटीज फॉर एग्जाम्पल डीएचसीपी जिसके थ्रू आप वहां पर एक नया एड्रेस एक्वायर कर सकते हैं इसके कुछ नुकसान इसका पहला डिसएडवांटेज तो यह है कि आपको हर दफा अपना नया एड्रेस कम्युनिकेट करना पड़ेगा उन तमाम नोड्स तक जो कि आपसे कम्युनिकेट करना चाहती है नो दिस इज नॉट ए वेरी ट्रिवियल प्रॉब्लम आपको नहीं मालूम इन एडवांस कि, कि किस किस नोड ने आपसे कम्युनिकेट करना है सो हाउ कैन यू टेल ईच एंड एवरी नोड इन द नेटवर्क दैट यू हैव चेंज द आई पी एड्रेस सेकेंडली अगर हम ये किसी तरह से मैंटेन कर भी लें कि आप अपने नए एड्रेस की इन्फॉर्मेशन कहीं पर स्टोर कर दें और सारी नोट उसके थ्रू कम्यूनिकेट करें प्रॉब्लम ये होता है कि वाइल यू चेंज दी आई पी एड्रेस जबकि आप मूव भी कर रहे हैं तो जो कि आपने एप्लीकेशन और ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर कनेक्शन मैंटेन किए होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं आपको मालूम है हम इसको आगे डिटेल में भी डिस्कस करेंगे कि टी सी पी का जो कनेक्शन है वो चार पैरामीटर्स या चार आईडीज़ के ऊपर डिस्टिंग्विश किया जाता है और उसमें से एक चीज़ जो है वो डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस अगर आपका आईपी एड्रेस चेंज हो गया तो वो प्रीवियस टीसीपी कनेक्शन जो है वो ब्रेक हो जाएगा अब इस चीज़ का क्या सोल्यूशन निकाला जाए कि आप मूव भी कर जाए एक नए नेटवर्क के अंदर आपको पॉसिबली शायद नया एड्रेस भी मिल जाए लेकिन आपकी जो कम्युनिकेशन है जो कि पहले से किसी भी इंटरनेट के अंदर नोड के साथ चल रही थी वो ब्रेक ना हो आपके कनेक्शन ब्रेक ना हो इसका मतलब ये है कि यू वुड लाइक टू हैव बेसिकली टू एड्रेसेस एक एड्रेस जो कि आपकी आइडेंटिटी हो और सेकंड एड्रेस जो कि आपकी लोकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। ये हम इसलिए करना चाहते हैं कि आप अपनी आइडेंटिटी मेंटेन रखें ताकि वो कनेक्शंस जो कि आपकी आइडेंटिटी की वजह से मेंटेन किए गए हैं एप्लीकेशन लेयर के ऊपर या ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर वो ब्रेक ना हो और लोकेशन की इंफॉर्मेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि आपकी इंफॉर्मेशन आपके पैकेट्स करेक्टली नई जगह पर राउट किए जा सके स्टूडेंट्स इसका सोल्यूशन जो है वो एक नई प्रोटोकॉल है दैट वी कॉल एज मोबाइल आई मोबाइल आई वर्जन फोर के साथ भी है और इसकी जो ईपी वर्जन सिक्स के साथ भी मोबाइल आईपी वी सिक्स मौजूद है हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं वी विल नॉट गो इन टू दिटेल आईपी वर्जन फोर के अंदर मोबिलिटी हैंडल होती है और किस तरह से आईपी वर्जन सिक्स के अंदर मोबिलिटी को हम हैंडल करते हैं मोबाइल आईपी का जो सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज है वो ये है कि आपको इंटरनेट के अंदर इस मोबाइल आईपी को रन करने के लिए बेसिकली कोई खास चेंज नहीं करनी पड़ती एंड दिस इज़ अ टिपिकल ऑफ़ आई ई टी एफ सैनैरियो कि पूरी कोशिश की जाती है कि जो नई प्रोटोकॉल इवॉल्व की जाए उनके लिए एग्जिस्टिंग नेटवर्क के अंदर कम से कम चेंजेस करनी पड़े मोबाइल आई पी को इम्प्लीमेंट करने के लिए और डिप्लॉय करने के लिए सर्टन एंटिटीज जो हैं वो हमने इनकॉर्पोरेट की उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो तो खुद मोबाइल नोड है जिसके ऊपर ये मोबाइल आई पी की प्रोटोकॉल इम्प्लीमेंटेड होनी चाहिए जो कि एक नेटवर्क से मूव होकर किसी दूसरे नेटवर्क तक जाएगी सेकेंड चीज जो है वो एक होम एजेंट है जो कि टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं मोबाइल आईपी के अंदर जो कि मोबिलिटी को सपोर्ट करेगा वो इस चीज को सपोर्ट करेगा कि उसके अपने नेटवर्क के अंदर से नोड्स मूव करके किसी और नेटवर्क में चले जाएं, और वो जो होम एजेंट है दैट एजेंट टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रीडायरेक्टिंग ऑल दी टू दैट नोड जितने भी पैकेट्स नोड के अपने नेटवर्क के अंदर उसको रिसीव होंगे ये होम एजेंट उनको इफेक्टिवली एफिशिएंटली रीडायरेक्ट करके मोबाइल नोड की नई लोकेशन तक पहुंचाएगा एक और एडिशनल सपोर्ट जो है दैट इज ऑफ फॉरेन एजेंट ये भी एक टर्मिनोलॉजी है फॉरेन एजेंट जो है वो आपको नए नेटवर्क के अंदर चाहिए जो कि आपको पॉइंट ऑफ अटैचमेंट प्रोवाइड करे वेन एवर आर नोड मूव फ्रॉम इट्स ओन नेटवर्क जिसको हम कह सकते हैं उसका होम है, नेटवर्क वो जब अपने होम नेटवर्क से किसी फॉरेन नेटवर्क में मूव करती है तो वहाँ पर उसको कनेक्ट होने के लिए वहाँ पर सर्विसेज एक्वायर करने के लिए एक फॉरेन एजेंट की ज़रूरत होती है ये चीज़ जहन में रखिए कि फॉरेन एजेंट के, के बग़ैर भी मोबाइल आईपी कंप्लीटली चल सकती है और इस तरह के वेरियंट्स मौजूद हैं जो कि फ़ॉरन एजेंट के, के बगैर भी होम एजेंट और मोबाइल नोट के साथ कम्युनिकेशन को मैंटेन करते हैं लेकिन अगर फॉरेन एजेंट की सपोर्ट मौजूद हो तो आप देखेंगे आगे डिटेल्स में कि इसकी वजह से मोबाइल नोट को काफी सपोर्ट मिलती है स्टूडेंट्स ये वो तीन चार टर्मिनोलॉजीज थी जो कि हमने देखी कि आपको मोबाइल आईपी की डिप्लॉयमेंट के लिए एक तो मोबाइल नोड है जिसके ऊपर मोबाइल आईपी इंप्लीमेंट होने चाहिए देन देर शुड बी अ होम एजेंट जो कि आपकी मोबिलिटी को सपोर्ट करे होम नेटवर्क के अंदर एंड अ फॉरेन एजेंट दैट शुड सपोर्ट द मोबिलिटी इन द फॉरन नेटवर्क इन एजेंट्स के बारे में आप डिस्कवर किस तरह से करेंगे कि ये एजेंट्स इस वक्त इस नेटवर्क के अंदर मौजूद हैं ये एजेंट डिस्कवरी का जो प्रोसेस है वो यूजुअली जो आपकी एजेंट एडवर्टीजमेंट्स हैं उनके थ्रू अकम्पलिश होता है ये दोनों एजेंट्स होम एजेंट और फॉरन एजेंट पीरियोडिकली कुछ मैसेज एडवर्टाइज करते रहते हैं जिसके जरिए से मोबाइल नोट को यह पता चलता है कि इस नेटवर्क के अंदर फॉरन एजेंट कौन सा है और इस नेटवर्क के अंदर अगर वो अपने नेटवर्क के अंदर हैं तो होम एजेंट कौन से ताकि अगर उन्होंने मोबिलिटी की सपोर्ट को यूज करना है तो वो होम एजेंट के साथ भी ऑथेंटिकेशन मेंटेन कर सकें और फॉरेन एजेंट के साथ भी करेक्टली रजिस्टर हो सके जिस तरह मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि आपको दो एड्रेसेस चाहिए एक एड्रेस आपकी आइडेंटिटी को मेंटेन करेगा और दूसरा एड्रेस असल में आपकी लोकेशन की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा ये जो सेकंड एड्रेस है जो कि आपकी नई लोकेशन की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है इसको हम कहते हैं केयर ऑफ एड्रेस ये एडिशनल एड्रेस है जो कि आपको असाइन किया जाता है फॉरेन एजेंट की तरफ से जो कि आपकी करंट लोकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है यही केयर ऑफ एड्रेस आपने अपने होम एजेंट को कम्युनिकेट करना होता है ताकि होम एजेंट को यह मालूम हो कि मोबाइल नोड अब मेरे अपने नेटवर्क में से निकलकर किस नए नेटवर्क में मौजूद है और उसको रीच करने का क्या तरीकाकार अगर इस मोबाइल आईपी के सिंपल सिनेरियो को समझने के लिए आप इस डायग्राम की तरफ रेफर करें तो मैंने इसके अंदर सिर्फ तीन चार नोड्स मेंशन किए हैं इसमें सिर्फ दो नेटवर्क शो किए गए हैं एक होम नेटवर्क है जिसमें हम अस्यूम करते हैं कि दैट इज देरेंट नेटवर्क ऑफ द मोबाइल होस्ट और एक हमने फॉरन नेटवर्क मैंशन किया है होम नेटवर्क इज नेटवर्क नंबर टेन और जो आपका फॉरन नेटवर्क है दैट इज नेटवर्क नंबर ट्वेल्व आप देख रहे हैं कि इसमें दो एजेंट्स हैं एक होम एजेंट विद द आईपी एड्रेस 10.0.0.3 और एक फॉरेन एजेंट विद द एड्रेस 12.0.0.6 हमने इसी डायग्राम के अंदर एक सेंडिंग होस्ट भी शो की है यानी कोई भी ऐसी नोड जो कि इंटरनेट में मौजूद है और इस मोबाइल नोड से कम्युनिकेट करना चाहती है जब भी किसी नोड ने किसी भी नोड के साथ कम्युनिकेट करना है तो ऑबवियसली इंटरनेट राउटिंग के थ्रू वो पैकेट उसके होम नेटवर्क तक पहुंचेगा लेकिन क्योंकि नोड अब मोबाइल हो चुकी है तो उस मोबाइल नोड के सारे पैकेट्स होम नेटवर्क के अंदर होम एजेंट कैप्चर कर लेगा होम एजेंट सारे पैकेट्स कैप्चर करने के बाद आईपी टनलिंग के प्रोसेस को यूज करते हुए ये सारे पैकेट्स फॉरेन एजेंट को भिजवा देगा मोबाइल होस्ट फॉरन नेटवर्क के अंदर ऑलरेडी फॉरन एजेंट के साथ रजिस्टर हो चुकी होगी लिहाजा फॉरन एजेंट उसके सारे पैकेट इंडिविजुअली एक एक करके उसको डिलीवर कर देगा इस तरह से आपने देखा है सिंपल सनेरियो के जरिए कोई भी नोट किसी भी मोबाइल होस्ट के साथ कम्युनिकेट कर सकती है और इस तरह से उसके जो अपर लेयर के ऊपर कनेक्शन मेंटेन हुए हुए हैं वो ब्रेक नहीं होंगे इसमें जो हमने एडिशनल कॉन्सेप्ट देखे हैं वो आई पी टनलिंग है जिसको हम आगे मजीद एक्सप्लोर करेंगे तो स्टूडेंट्स मोबाइल आईपी के जो फीचर्स हैं दैट इंक्लूड देर इज़ ट्रांसपेरेंट राउटिंग ऑफ पैकेट्स टू अ मोबाइल होस्ट हम यही चीज़ तो चाहते थे कि हमें इंटरनेट के इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर राउटर्स के ऊपर डिफरेंट नेटवर्क्स के अंदर कोई चेंजेस ना करनी पड़े तो हम मोबाइल आई के थ्रू यही चीज़ अचीव कर रहे हैं दैट द पैकेट्स आर ट्रांसपेरेंटली राउटेड टू दी मोबाइल होस्ट वेयर एवर दैट नोट गोस्ट सेकेंड इज के जो आपका होम एजेंट है जो कि आपके होम नेटवर्क के अंदर सपोर्ट प्रोवाइड करता है वो आपको एक यूनिक होम एड्रेस प्रोवाइड करेगी यानी किसी भी नोड के लिए मोबाइल नोड के लिए जो कि मोबिलिटी की सपोर्ट चाहती हो मोबाइल आईपी के थ्रू उसके पास एक यूनिक होम एड्रेस होना चाहिए जिसकी बेस के ऊपर उसकी आइडेंटिटी जो है वो डिटरमिन की जाएगी हमने कहा था ना दो एड्रेस की बात वन इज़ फॉर द लोकेशन एंड वन इज़ फॉर द आइडेंटिटी तो ये जो आपका होम एड्रेस है दैट इज फॉर द आइडेंटिटी जितने भी होस्ट पूरे इंटरनेट के अंदर इवन आपके अपने नेटवर्क के अंदर उस फॉरेन नेटवर्क के अंदर हर कोई मोबाइल नोट को उसके होम एड्रेस के ऊपर ही कम्युनिकेट करेगा जो लोकेशन है दैट विल ओनली बी यूज टू रीड डायरेक्ट मैसेजेस फ्रॉम दी होम नेटवर्क टू फॉरेन नेटवर्क और इसके लिए हमने कहा था कि हम केयर ऑफ एड्रेस यूज करेंगे केयर ऑफ एड्रेस और ये जो मैपिंग है होम एड्रेस की इसकी मैपिंग फॉरन एजेंट मेंटेन करेगा जब भी उसको केयर ऑफ एड्रेस के ऊपर एक पैकेट आएगा दैट इज फॉर मोबाइल नोड, तो उसके पास ये मैपिंग और ये टेबल मौजूद होगा कि इस नोड को उसने किस तरह से ये पैकेट डिलीवर करना है जो कि के इस केयर ऑफ एड्रेस के ऊपर रिसीव हुआ है स्टूडेंट होम एजेंट का जो काम है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन द होम नेटवर्क क्योंकि इसी होम एजेंट ने ये रजिस्ट्री मेंटेन करनी है एक एंट्री मेंटेन करनी है कि मोबाइल नोट की इस वक्त करंट लोकेशन क्या है और वो करंट लोकेशन हम किस तरह से डिटरमिन करते हैं केयर ऑफ़ एड्रेस इसका मतलब है कि मोबाइल आईपी के अंदर जो आपका होम एजेंट है वो भी ये मैपिंग मेंटेन कर रहा है कि उसके जो होम एड्रेस उसके जो, जो जितनी भी नोड्स हैं उनके होम एड्रेस के अगेंस्ट केयर ऑफ एड्रेस कौन कौन सा है इसको हम कहते हैं मोबिलिटी बाइंडिंग और ये जो मोबिलिटी बाइंडिंग है ये मोबाइल नोड हर नए फॉरन नेटवर्क में जाकर अपडेट करवाता रहता है ये मोबिलिटी बाइंडिंग है सिंपल सी कि मोबाइल नोड का होम एड्रेस और उसका जो इस वक्त केयर ऑफ एड्रेस है उसकी मैपिंग ताकि वो सारे पैकेट्स जो कि इंटरनेट में राउट होते हुए होम नेटवर्क तक पहुंचे होम एजेंट उनको इंटरसेप्ट करे और रीडायरेक्ट कर दे थ्रू आईपी टनलिंग फॉरन नेटवर्क की तरफ हर मोबाइल नोट को इसका मतलब है कि ये बाइंडिंग ज़रूर मेंटेन करवानी है होम एजेंट के पास ताकि वो इन पैकेट्स को ऑप्टेन कर सके और इसको हम किस तरह से अचीव करते हैं ये हम कहते हैं रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है कि हर मोबाइल नोट जब भी किसी फॉरेन नेटवर्क में जाती है तो अपने होम एजेंट के पास अपने आप को रजिस्टर करवाती है ये जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है इसी के थ्रू होम एजेंट को मालूम होता है कि अब ये नोट इस फॉरन नेटवर्क के अंदर मौजूद है और ये उसका केयर ऑफ एड्रेस है इनफैक्ट रजिस्ट्रेशन सिंपली कि आपके पास ये बाइंडिंग मौजूद है और होम एजेंट के पास के इस वक्त आपकी जो मोबाइल नोट है वो किस नेटवर्क में मौजूद है इसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं पहली चीज तो ये है कि ये जो लोकेशन से कॉरेस्पॉन्डिंग आपका आईपी एड्रेस है जो कि मोबाइल नोड को असाइन किया जाता है ये इसको कौन असाइन करेगा और उसको किस तरह से असाइन किया जाएगा और कौन सा आईपी एड्रेस असाइन किया जाएगा ये जो केयर ऑफ एड्रेस है ये इसी की एलोकेशन और असाइनमेंट की बात हो रही है क्या फॉरेन एजेंट असाइन करेगा क्या मोबाइल नोट खुद से एक्वायर करने की कोशिश करेगा क्या ये कोई प्री डिफाइंड एड्रेस होगा व्हाट दिस एड्रेस शुड बी सेकेंडली होम एजेंट को अपने होम नेटवर्क के अंदर वो क्या क्या मैकेजम्स और प्रोसीजर्स करने होंगे कि उस मोबाइल नोट की तरफ आने वाले सारे पैकेट्स को वो इंटरसेप्ट कर सके देखिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोबाइल नोट के लिए कोई भी पैकेट आए उसके होम नेटवर्क के अंदर तो वो डिस्कार्ड ना कर दिया जाए कि मोबाइल नोट तो इस वक्त नेटवर्क में मौजूद नहीं है ट्रांसपेरेंटली वो सारे पैकेट होम एजेंट ने इंटरसेप्ट करने हैं और उनको टनल मोबाइल नोट की करंट लोकेशन पर पहुंचाना फिर एक दफ़ा जब होम एजेंट ये सारे पैकेट्स टनल करके फॉरेन एजेंट तक पहुंचाना है तो फॉरेन एजेंट के ऊपर वो क्या प्रोसीजर्स और मैकेनिज़म्स होने चाहिए जिनके थ्रू वो ये सारे पैकेट्स इंडिविजुअली फाइनल डेस्टिनेशन यानी मोबाइल नोट को डिलीवर कर सके ये हमारे मोबाइल आई के चैलेंजेस हैं और मोबाइल आई की प्रोटोकॉल जो है वो इन्हीं प्रोसीजर्स और मैकेजम्स को डिफ़ाइन करती है जो कि अभी हमने लिस्टाउन किए हैं सबसे पहली चीज़ कि हम केयर ऑफ एड्रेस असाइन किस तरह से करेंगे इसके लिए ज़रूरी है कि मोबाइल नोड किसी भी फॉरन नेटवर्क में जाके सबसे पहले फ़ॉरन एजेंट को डिस्कवर करे जब उसे मालूम हो जाए कि किसी फॉरन नेटवर्क के अंदर ये फॉरन एजेंट है जो कि उसको पॉइंट ऑफ अटैचमेंट प्रोवाइड कर सकता है सर्विस प्रोवाइड कर सकता है तब वो इस फॉरन एजेंट के थ्रू अपने मोबाइल नेटवर्क अपने होम नेटवर्क के अंदर रजिस्टर करवाएगी इसी फॉरन एजेंट के थ्रू उसको केयर ऑफ एड्रेस मिलेगा यूजुअली ये जो केयर ऑफ एड्रेस है ये फॉरन एजेंट का अपना एड्रेस भी हो सकता है और मोबाइल नोट इसको यूज करते हुए अपने सारे पैकेट फॉरन एजेंट तक टनल करवा सकती है ये भी पॉसिबल है कि मोबाइल नोट एक टेम्पररी आईपी एड्रेस उस नए नेटवर्क के अंदर एक्वायर कर ले क्योंकि जिस तरह हमने पहले बात की डीएचसीपी के प्रोसीजर्स मौजूद हैं उनके थ्रू आपको डायनेमिकली एक आईपी एड्रेस असाइन किया जा सकता है जब आपको इस तरह से सेपरेटली एक केयर ऑफ एड्रेस असाइन किया जाए, तो मोबाइल आईपी की टर्मिनोलॉजी के अंदर हम उसको कोलोकेटेड केयर ऑफ एड्रेस बोलते हैं और उसकी वजह से कुछ थोड़े से डिफरेंसेस भी आते हैं और कुछ और फैसिलिटीज और फंक्शनैलिटीज पॉसिबल होती हैं या रिस्ट्रिक्ट की जाती हैं जब हमने कहा कि होम एजेंट ने अपने होम नेटवर्क के अंदर मोबाइल नोट के लिए आने वाले सारे पैकेट्स को इंटरसेप्ट करना है तो वो कौन से मैकेनिज़म्स हैं जो कि मोबाइल आईपी इस फंक्शनैलिटी के लिए प्रोवाइड करते हैं यूजुअली उसमें एआरपी के दो प्रोसीजर्स हैं एक तो प्रॉक्सी एआरपी और एक ग्राटूच ए इन दोनों प्रोसीजर्स के थ्रू होम एजेंट मोबाइल नोट के लिए आने वाले सारे पैकेट्स को इंटरसेप्ट कर लेता है और फिर उनको इफेक्टिवली टनल कर देता है टनलिंग के लिए हम बेसिकली आईपी इन आईपी आई पी यूज़ करते हैं ऑल दो मोबाइल आईपी की प्रोटोकॉल के अंदर ये भी पॉसिबिलिटी मौजूद है कि मिनिमल इनकेप्सुलेशन या जी आर ई इनकेप्सुलेशन के थ्रू भी पैकेट को टनल करके फाइनली मोबाइल नोट तक पहुंचा दिया जाए लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट आईपी इन आईपी सिंपल पी सिम्पल जो है दैट इज़ ओके और होम एजेंट से फ़ॉरन एजेंट तक मोबाइल नोट के सारे पैकेट्स पहुंच सकते हैं जब ये टनल्ड पैकेट्स फॉरेन एजेंट तक पहुंचते हैं तो फॉरेन एजेंट का काम ये होता है कि वो जो आउटर आईपी हेडर है वो उसने डिकैप्सुलेट करना होता है अंदर से ओरिजिनल आईपी पैकेट को निकाल कर एक्सट्रैक्ट करके मोबाइल नोट तक डिलीवर करना है अगर किसी वजह से किसी नेटवर्क के अंदर फॉरन एजेंट ना हो तो ये पॉसिबिलिटी है कि मोबाइल नोट खुद इस फॉरन एजेंट की फंक्शनैलिटी को प्रोवाइड करे ये बहुत से स्नेरियोज में पॉसिबल है और बहुत सारे ऐसे रिसर्च प्रोजेक्ट्स भी हैं जिसमें फॉरेन एजेंट की रिक्वायरमेंट को ऑल टुगेदर इलिमिनेट करने की कोशिश की गई है इसी प्रोसीजर के अंदर आपने देखा कि हमने जो राउटिंग के प्रॉब्लम्स हैं उसमें एक चीज हाईलाइट की दैट इज इनडायरेक्ट राउटिंग आपने पैकेट पहले इंटरनेट में से किसी कॉरेस्पॉन्डेंट नोड से लेके होम नेटवर्क तक पहुंचाया और फिर होम नेटवर्क से उसको रीडायरेक्ट करके मोबाइल नोट तक पहुंचाया ये एक ट्रायंगल राउटिंग का प्रॉब्लम है इसलिए कि यह चीज़ पॉसिबल है कि वो जो कॉरेस्पॉन्डेंट नोट है वो उस मोबाइल नोट के बिल्कुल पास ही हो लेकिन वो सबसे पहले पैकेट को होम नेटवर्क तक पहुंचाएगी और वहां से रीडायरेक्ट होता हुआ पैकेट वापस इस मोबाइल नोड तक पहुंचेगा क्या यह चीज़ पॉसिबल है कि हम उस कॉरेस्पॉन्डेंट नोट को बता दें कि मोबाइल नोट की करंट लोकेशन ये है और वो डायरेक्टली इससे कम्युनिकेट कर ले ये पॉसिबल है और इसके लिए बाइंडिंग अपडेट का एक मैकेनिज्म प्रोवाइड किया गया है ताकि कॉरेस्पॉन्डेंट नोट मोबाइल नोट की नई लोकेशन से अवेयर हो जाए और उसको डायरेक्टली पैकेट्स पहुंचा दे और ये टायर ट्रायंगल राउटिंग का प्रॉब्लम जो है वो रिमूव हो जाए लेकिन जहां जहां इस बाइंडिंग uh, अपडेट के फायदे हैं वहां इसमें बहुत सारे सिक्योरिटी इश्यूज भी राइज होते हैं और आउट ऑफ डेट इंफॉर्मेशन का यूज का uh, जो रिस्क है वो भी बढ़ सकता है एक सेकंड इशू जो है इस मोबाइल आईपी के अंदर दैट इज हैंड ऑफ बिटवीन फॉरेन एजेंट्स जब मोबाइल नोट एक फॉरन एजेंट से दूसरे फॉरन एजेंट पे मूव करती है या अपने आप को रजिस्टर करवाती है तो ये जो हैंड ऑफ है ये भी स्मूथ होना चाहिए क्योंकि जहन में रखिए कि हमने मोबाइल आईपी की प्रोटोकॉल का जो बेसिक टास्क मेंशन uh, किया था दैट कि अपर लेयर के ऊपर कनेक्शन हैं वो ब्रेक ना हो ये जो ट्राइंगल राउटिंग के लिए हमने बाइंडिंग अपडेट का प्रोसीजर मेंशन किया दैट इज फॉर ऑप्टिमाइजेशन ऑफ पाथ ताकि अननेसेसरीली कॉरेस्पॉन्डेंट नोड से होम नेटवर्क तक का जो पाथ है वो अवॉइड किया जा सके और डायरेक्टली मोबाइल नोड तक पैकेट को पहुंचाया जा सके इसके लिए जो आपकी कॉरेस्पॉन्डेंट नोट है उसके ऊपर भी मोबाइल आईपी की प्रोटोकॉल की एक्सटेंशन होनी चाहिए ताकि वो इस बाइंडिंग कैश को अपने पास मेंटेन कर ले फॉरेन एजेंट की जो हैंड ऑफ्स हैं उसमें भी ये चीज़ मेंटेन रखी गई है कि अगर किसी वजह से नोड मूव करती है तो इस इंफॉर्मेशन को इफेक्टिवली यूज़ किया जा सके और हैंड ऑफ के दर के दौरान नए फॉरेन एजेंट को बताया जा सके कि कौन सा पिछला फॉरेन एजेंट था ताकि उसके पास बफर किए हुए स्टोर किए हुए पैकेट्स को भी रिट्रीव किया जा सके ये जहन में रखिए कि सारी फ्लैक्सीबिलिटी के अंदर सिक्योरिटी इश्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट इशू uh, में से एक ये इशू है कि रिमोट रीडायरेक्शन re जो है वो पॉसिबल हो जाती है कोई भी नोट रिमोटली अगर आपकी एंट्री जो है वो uh, किसी जगह पर करवा दे तो सारे पैकेट्स रीडायरेक्ट होकर उस नोट तक पहुंचने शुरू हो जाएंगे जो कि लेजिटिमेटली आप तक पहुंचने चाहिए तो इसलिए इस सारे प्रोसीजर और मैकेनिज्म को बहुत केयरफुली अडॉप्ट किया जाता है और इसकी जितनी भी एक्सटेंशन हैं उसमें सिक्योरिटी के इश्यूज हैं वो प्राइम इंपॉर्टेंस रखते हैं हम एक डायग्राम के ज़रिए इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि राउट ऑप्टिमाइजेशन किस तरह से होती है मोबाइल आईपी के अंदर और हैंड ऑफ़ जो है फॉरेन एजेंट टू फॉरेन एजेंट उसको हम किस तरह से अचीव करते हैं अगर आप इस डायग्राम में देखें तो कोई भी सेंडर जो है सबसे पहले होम एजेंट को पैकेट भेजता है और होम एजेंट इसको टनल करके फ़ॉरन एजेंट तक भेजता है जिसको मैंने ब्लू कलर के टनल में शो किया है इसके बाद होम एजेंट ये बाइंडिंग अपडेट जो है वो सेंडर को भेज देता है और रिमेनिंग पैकेट्स जो हैं जो सब्सिक्वेंट पैकेट्स हैं वो सेंडर डायरेक्टली फॉरेन एजेंट को भेजता है जो कि आगे मोबाइल होस्ट तक कम्युनिकेट हो जाते हैं सेकेंड चीज़ है, चीज है, है हैंड ऑफ़ की ऑप्टिमाइजेशन सेंडर जब होम एजेंट को पैकेट भेजता है और वो फ़ॉरन एजेंट को पैकेट भेज आगे मोबाइल होस्ट तक कम्युनिकेट करता है तो ये चीज़ पॉसिबल है कि ड्यूरिंग कम्युनिकेशन मोबाइल नोट जो है वो फ़ॉरन एजेंट वन से फॉरन एजेंट टू के ऊपर शिफ्ट हो जाए इस सिनेरियो के अंदर फॉरेन एजेंट तक भी पहुंचाई जाती है और फॉरेन वो इस नए फॉरेन एजेंट तक पहुंच जाते हैं जो कि अब इफेक्टिवली मोबाइल होस्ट तक ये सारे पैकेट डिलीवर कर सकता है थोड़ी देर के बाद वो जो पाथ है जो कि पहले फॉरन एजेंट वन के ऊपर था वो खत्म कर दिया जाता है और फिर सेंडर नोट जो है वो डायरेक्टली फॉरेन एजेंट टू से कम्युनिकेट करके मोबाइल नोट तक पैकेट पहुंचा देती हमने ये चीज डिस्कस की थी कि मोबाइल नोट की राउटिंग के अंदर एक सिनेरियो तो ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर फिक्स है और होस्ट जो है वो मोबाइल है लेकिन सेकेंड सिनेरियो ये था कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर भी मोबाइल है और ये सिनेरियो बनता है एडहॉक नेटवर्क का इसको भी हम बहुत ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं कि ये एक ऐसा नेटवर्क है जिसके अंदर मोबाइल नोड्स ख़ुद मिलकर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इवॉल्व करते हैं बनाते हैं और अपने जो कंपेनियन या नेबर्स के पैकेट्स हैं उनको फॉरवर्ड करते हुए उनको कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं जितने भी पाथ इस एडहॉक नेटवर्क के अंदर बिल्ड किए जाते हैं वो असल में इन्हीं नोड्स को यूज़ करते हुए बिल्ड किए जाते हैं और हर नोड इस इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट होती है और एज इंटरमीडिएट राउटर बिहेव करती है इस एडहॉक नेटवर्क की राउटिंग के लिए आपके पास दो अप्रोचेस पॉसिबल हैं वन इज प्रोएक्टिव राउटिंग प्रोटोकॉल्स एंड अदर इज रिएक्टिव राउटिंग प्रोएक्टिव राउटिंग का मतलब यह है कि इस मैनेट के अंदर मोबाइल एडहॉक नेटवर्क के अंदर जितनी भी नोड्स हैं वो पीरियोडिकली अपनी इंफॉर्मेशन को एक दूसरे तक पहुंचाएं और हर नोड तक के पाथ जो हैं वो हर नोड के ऊपर इस्टेब्लिश रहें सेकेंड पॉसिबिलिटी ये है कि आप रिएक्टिव राउटिंग अप्रोच यूज करें उसके अंदर बजाय कि हर वक्त नोड्स पाथ स्टेब्लिश करें जिस वक्त एप्लीकेशन लेयर से आपको डेटा पैकेट मिले, उस वक्त आप डिटर्मिन करने की कोशिश करें कि मैंने डेस्टिनेशन तक किस तरह पहुंचना है ये रिएक्टिव राउटिंग अप्रोच है तो स्टूडेंट्स, ये हैं दो सब कैटेगरीज इस एडहॉक नेटवर्क की राउटिंग प्रोटोकॉल्स के अंदर की आप या तो प्रोएक्टिव राउटिंग यूज करें या रिएक्टिव राउटिंग प्रोएक्टिव राउटिंग के अंदर जो आर हमारे पास मौजूद हैं उसमें एक ओ है ऑप्टीमाइज लिंक स्टेट राउटिंग और एक टी बी आर पी बेस्ड रिवर्स पाथ फॉरवर्डिंग रिएक्टिव राउटिंग के अंदर हमारे पास जो आर मौजूद हैं उसमें ए ओडी वी एड ऑन डिमांड डिस्टेंस फैक्ट राउटिंग और डी एस आर डायनामिक सोर्स राउटिंग की प्रोटोकॉल्स ज़्यादा अव... मशहूर भी हैं और अवेलेबल भी हैं तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम अपने आज के लेक्चर को ख़त्म करते हैं आज हमने लिंक स्टेट के टॉपिक को कंप्लीट किया ओ के बारे में ब्रीफली बात की और उसके बाद हम आरपा नेट के जो राउटिंग मैट्रिक्स हैं उनके ऊपर चले गए और हमने उनको डिस्कस किया कि किस तरह ओरिजिनल न्यू और रिवाइज मैट्रिक्स यूज़ किए गए इन चीज़ों को डिस्कस करने के बाद फिर हमने थोड़ी सी डिस्कशन की है राउटिंग इन मोबाइल नेटवर्क उसमें मोबाइल आईपी का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया और एडहॉक नेटवर्क्स का स्टूडेंट्स हम अपने अगले लेक्चर के अंदर स्केलेबिलिटी के इश्यूज और इंटरनेट के अंदर जो राउटिंग होती है उसको डिस्कस करेंगे आज हम अपने लेक्चर को अब ख़त्म करते हैं अगले हफ्ते अगले लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए खुदा